हिमाचल प्रदेश पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस हमीरपुर में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष लालचंद मस्ताना ने की। बैठक में पेंशनरों की लंबित पड़ी मांगों को पूरा करने की मुख्यमंत्री से मांग की गई। हिमाचल प्रदेश पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस हमीरपुर में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष लालचंद मस्ताना ने की। बैठक में पेंशनरों की लंबित पड़ी मांगों को पूरा करने की मुख्यमंत्री से मांग की गई। 2019 बच्चों के पेंशन डे होता है, तो इस पेंशन डे की सेलिब्रेशन के लिए हम लोग यहाँ आज एकत्रित हुए और हमारी जो मुख्य मांगे हैं 17 दिसंबर 2018 को हमारे सुंदरनगर में माननीय चीफ मिनिस्टर महोदय से मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये आश्वासन दिया था कि आपकी मांगों के को हल करने के लिए शीघ्र JCC का गठन किया जाएगा और अपने एडमिनिस्ट्रेटिव अफसरों से बात करके आपकी जो भी पेंशनर्स की समस्याएं हैं उनका जल्दी से जल्दी समाधान निकाला जाएगा। मगर बड़े दुख से आज मैं कहना चाहता हूं कि आज जो हम सब ने यहां मिल करके विचार विमर्श किया, बड़े खेद से हम सब लोगों ने ये बात मीडिया को बता रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आज तक उन मांगों के बारे में ना ही JCC का गठन किया ना ही हमारी मांगों को सुलझाया। आज हमने फिर विचार विमर्श किया है कि अतिशीघ्र JCC का गठन किया जाए। इस संदर्भ में हम एक रेजुलेशन जो है वो अपनी स्टेट बॉडी को आज भेज रहे हैं कि हमारी मांगें जो है अतिशीघ्र जो है अविलंब उनका समाधान किया जाए। और दूसरी बात, हमारे जो पेंशनर्स के पेंडिंग बिल मेडिकल के जो हैं, चूँकि अवस्था ऐसी है, बुढ़ापे की अवस्था है और समय अनुसार हमारे बिलों का भुगतान नहीं हो रहा है काफ़ी लंबे समय से, तो हमारा आज ये आग्रह है मुख्यमंत्री महोदय से कि 31 मार्च तक जो भी पेंडिंग बिल हैं हरेक ज़िले के हरेक डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की उनको उनके लिए बजट प्रोवाइड किया जाए और उनका भुगतान अतिशीघ्र किया जाए। और इन शब्दों के साथ और मांगे भी जो हमने पहले उठाई हैं वो उनको एक बार रेजुलेशन के जरिए जो आज हम भेज रहे हैं स्टेट बॉडी को उनमें उजागर किया गया है और उसके ऊपर स्टेट बॉडी जो है वो अतिशीघ्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय से स्टेट सेक्रेटरीट में मिलेगी और उचित कदम उठाने के लिए आग्रह करेगी। नहीं उठाया उचित कदम क्या कदम रहेगा आपका इसी इनिशिएटिव जो पेंशन कल्याण संघ नहीं उठाया गया आगामी कदम क्या होंगे अगर आपके हाँ नहीं उठाया जाता अगर उस पहले तो है जब हमारा रेजुलेशन चला जाएगा ऐसे आदेश हैं कि हर एक जिले से जाएगा 12 जिलों से जाएगा रेजुलेशन और स्टेट बॉडी जो है वो उस ज्ञापन देने से पहले वहाँ स्टेट सेक्रेटरीट में धरना देगी और धरने के उपरांत माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलेगी और आग्रह करेगी कि अतिशीघ्र हमारी डिमांडों का समाधान किया जाए। सर इसके भवन बनाए हैं ये ठीक है, हमारे जिला में दूसरी फैक्शन भी है तो उसका कंट्रोल जो है उस फैक्शन के जरिए चल रहा है उसका कंट्रोल और जो हमारी बॉडी है डिस्ट्रिक्ट अपने स्टेट पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन इसको उसमें सम्मिलित नहीं किया जा रहा है मीटिंगों के मीटिंग होल्ड करने के लिए, तो हमारा उनसे ये डिसाइड किया गया है कि हमारे कुछ रिप्रेजेंटेटिव उनके जो भी यहाँ रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे मुलाकात होगी और उस मांग को अपनी निजी उस पर समाधान अगर निकलता है तो वेल एंड गुड, हमें भी मां मीटिंग करने की इजाज़त मिल जाए तो बेहतर रहेगा, अदरवाइज अन्यथा हम डिप्टी कमिश्नर महोदय से इस संदर्भ में आगे बात करेंगे। बहुत बुजुर्ग सहयोगी जो पेंशनर्स एसोसिएशन में पदाधिकारी थे उनका अचानक पिछले संडे को निधन हो गया है। टी आर चौहान
तो उनको भी आज हमने दो मिनट का मौन रख करके श्रद्धांजलि दी है और भगवान परमपिता परमात्मा से अरदास की है कि उनके परिवार को जो है वो साहस दे ताकि वो इस दुख की घड़ी में उनका मनोबल कायम रख सके और हम लोग भी उनके परिवार के ढाढ़स बंधाने के लिए उनके रेजिडेंस पे जाएंगे। सर